अगला देखते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिंस, सेकंड वन इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर एन टू एक्स या फिर ए आर एन टू एक्स। ऑलराइट, अब यहां पर आर और ए आर का यूजुअल मीनिंग है जो होता ही है। N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। X यहाँ पर हेलोजन है एंड N2 जो है वो नाइट्रोजन है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, राइट? ओके, तो डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके कई सारे मेथोडोलॉजी हैं, इसके अंडर में आते हैं। मतलब ये मेन हेडिंग है, इसके नीचे ही आप सैंडमेयर रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, इसी के नीचे ही फिर आप गटरमैन रिएक्शन पढ़ोगे, इसी के नीचे ही फिर आप बेल सेकमैन रिएक्शन पढ़ोगे, राइट? तो ये सारी के सारी जो रिएक्शन है, तीन जो नेम रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी रिएक्शन आ रही है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, हाउ डू वी प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट, एंड उसके बाद फिर हम आएंगे सैंडमेयर रिएक्शन पे। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो तो टेक्स्ट बुक में पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद अगला ही दिया हुआ है सैंडमेयर रिएक्शन। बट एक्चुअली सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो देखते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट के लिए आपको चाहिए एनिलीन, आपको यहां पर चाहिए सबसे पहला एक चुटकी एनिलीन, तो ये ले लीजिए, दिस इज एन एच टू, दिस इज एन एच टू एंड नीचे उसके एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एनिलीन। जिस तरीके से बेंजीन के ऊपर सी एस थ्री अटैच था तो उसे हमने कहा टोल्यून, तो ये क्या है, एनिलीन। ओके, इसका रिएक्शन आप कराते हैं NaNO2 प्लस HX के साथ, इसका रिएक्शन आप कराते हैं NaNO2 प्लस HX के साथ और बन करके तैयार होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये जो है ये बना बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, सॉल्ट हैलाइड। आप देखो जो सॉल्ट बनता है वो तो हेलोजन से ही बनता है, जैसे NaCl आप खाते हो, है ना, तो वो तो सॉल्ट ही है क्योंकि उसमें हेलोजन का कंपोनेंट है। हेलोजन का मतलब ही होता है सॉल्ट फॉर्मेशन। ओके, तो एनिलीन का रिएक्शन आपने NaNO2 प्लस HX के साथ कराया और इससे बनकर तैयार हुआ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। देखो यहां पर हैलाइड तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हैलोजन है, तो आप देखो ऊपर X अटैच है, हैलोजन अटैच है, इसीलिए हैलाइड बोला गया। डाइजोनियम, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन यहां पर अटैच है और बेंजीन तो है ही, तो बेंजीन ऊपर दो नाइट्रोजन डाइएजो, बेंजीन दो नाइट्रोजन डाइएजो और साइड में हैलाइड, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ऑलराइट, ये जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है ये ध्यान रखिएगा ये एनिलीन से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये जो आप ले रहे हैं ना, ये जो अमाइन आप ले रहे हैं ये कौन सा डिग्री होना चाहिए, वन डिग्री होना चाहिए, ठीक है, दिस मस्ट बी वन डिग्री अमाइन। ये जो आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं ये वन डिग्री अमाइन होना चाहिए, टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अमाइन्स जो हैं कांट प्रोड्यूस डाइजोनियम हैलाइड्स। ठीक है, अगर आपने टू डिग्री या थ्री डिग्री अमाइंस ले रखा है तो उससे आप डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये देख रहे हो, ये जो एनिलीन आपने लिया ना ये वन डिग्री अमाइन है। अब क्योंकि आपने अमाइंस का चैप्टर तो पढ़ा नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे ये वन डिग्री है, टू डिग्री है, थ्री डिग्री है, उसके लिए मैं एक छोटा छोटा सा आपको बता देता हूं। देखिए, अगर किसी ग्रुप के साथ NH2 अटैच्ड है, अगर किसी ग्रुप के साथ NH2 अटैच्ड है तो समझ जाइए कि ये 1 डिग्री अमाइन है, समझ जाइए कि ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर ऐसा है, दो ग्रुप अटैच्ड हैं और साथ में NH अटैच्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन आपने निकाला और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दिया, तो समझ जाइए ये 2 डिग्री अमाइन है। और अगर तीन ग्रुप अटैच्ड है और सिर्फ एक नाइट्रोजन है, दैट मीन्स दिस इज 3 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन, क्लियर है? तो डैश NH2 होगा तो ही वो 1 डिग्री अमाइन है, डैश डबल डैश NH है तो 2 डिग्री अमाइन, और अगर तीन डैश है और N है तो मतलब 3 डिग्री अमाइन। तो एनिलीन को देखिए, एनिलीन के ऊपर क्या अटैच्ड है, NH2 अटैच्ड है, इसीलिए 1 डिग्री अमाइन है, क्लियर है? अब जो आप बाकी की बात करते हो ना, जैसे आप जब अल्कोहल की बात करते थे, तो अल्कोहल में सिचुएशन कुछ और होती थी। अल्कोहल में आप देखते थे कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, OH
जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, उस बेसिस पे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिटरमाइन करते थे। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन, और यहां पर OH अटैच्ड है, देख रहे हो, कार्बन 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 और ये OH अटैच्ड है। तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। सी, मैं बाकी हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, अंडरस्टूडेबल है कि बाकी जगह पर हाइड्रोजन है ना। तो यहां पर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए हम इसको कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसे बोला जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। एक और नोट करिए, जैसे लेट्स से कार्बन 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 और यहां पर OH अटैच्ड है, बाकी जगह पर हाइड्रोजन है जिसे मैं लिख नहीं रहा हूं। अब यहां पर जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये जो OH है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो बाजू में दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए ये क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। और सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा है कार्बन 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 और ऊपर एक और कार्बन और यहां पर OH है, ठीक है ना, तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन बनेगी 3 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो याद रखिए एमाइंस को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्क्राइब करने का तरीका अलग है। एमाइंस में डिपेंड करता है कि वहां पर कितने हाइड्रोजन है, NH2 दो हाइड्रोजन है मतलब 1 डिग्री एमाइन, एक हाइड्रोजन है मतलब 2 डिग्री एमाइन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है सिर्फ नाइट्रोजन है तो 3 डिग्री एमाइन। जबकि अल्कोहल वाले किस्से में क्या था कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है उसके हिसाब से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्क्राइब करोगे, करेक्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाने के लिए आपको चाहिए एनिलीन, और ये जो एनिलीन आप ले रहे हैं ऑब्वियसली एनिलीन तो 1 डिग्री ही एमाइन होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री से तो नहीं बन सकता। तो एनिलीन का रिएक्शन आपने NaNO2 प्लस HX के साथ कराया जिससे तैयार हुआ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब यहां पर सवाल ये कि ये NaNO2 प्लस HX क्या करता है, इसका रोल क्या है। सी द थिंग इज, ये जो NaNO2 प्लस HX जो है ना ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है NaX प्लस HNO2, ठीक है। ये जो NaNO2 है ये HX के साथ रिएक्ट कराता है और ये बनाता है NaX प्लस HNO2। ये जो HNO2 है इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड, इसे बोला जाता है नाइट्रस एसिड, ऑलराइट। ये जो नाइट्रस एसिड है ये हेल्पफुल होता है टू क्रिएट, इट इज हेल्पफुल टू क्रिएट नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ये क्या करता है, नाइट्रोसोनियम आयन को क्रिएट करने में हेल्प करता है, मतलब कि ये देखिए दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, ऑलराइट। तो इसीलिए हमको नाइट्रस एसिड बनाना होता है। अब जैसे पिछले वाले में आपने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि हमको लुइस एसिड क्यों चाहिए था, ताकि वो हेलोजन को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर सके। यहां पर हमको HNO2 इसलिए चाहिए ताकि वो नाइट्रोसोनियम आयन को प्रोड्यूस कर सके। कैसे करेगा ये अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक सवाल फिर एक और मन में आ सकता है कि सर हमने एलिनिन के साथ डायरेक्टली HNO2 क्यों नहीं ले लिया, हम ये क्यों कर रहे हैं कि एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 प्लस HX, हम डायरेक्टली एनिलीन का रिएक्शन HNO2 के साथ क्यों नहीं करा देते। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि ये जो HNO2 है ना इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ये जो स्पीशीज है ये अनस्टेबल टाइप की स्पीशीज है, इट इज अ अनस्टेबल टाइप स्पीशीज, ओके। क्योंकि ये अनस्टेबल है तो इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते एक लंबे टाइम तक, अनस्टेबल है स्टोर करके नहीं रख सकते, फ्रेशली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये अनस्टेबल है इसीलिए आपको इसको एकदम फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑलराइट। और फ्रेश प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि NaNO2 का रिएक्शन आप HX के साथ करा दीजिए, करेक्ट, इतना क्लियर है, ओके। तो अब चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर कि ये जो प्रोसेस है ये काम कैसे कर रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं इनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो देखें मैकेनिज्म, तो ये जो HNO2 बना है, ये जो HNO2 बना, HNO2 का रिएक्शन मैकेनिज्म में, देखो मैकेनिज्म होता क्या है कि चीजें कैसे काम कर रही है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और किस वे में चीजें प्रोसीड हो रही हैं, बस वही होता है मैकेनिज्म, ऑलराइट। तो ये जो HNO2 है ये देखिए, ये जो है HNO2, सी दिस इज HNO2 स्ट्रक्चर, ओके। यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, राइट।
अब ये जो आपने HX लिया था ना, ये ऊपर का HX, ये देखो, ये तो आपने HX लिया, क्या पूरे सिस्टम में एक ही HX रहा होगा क्या? जब आप रिएक्शन कराते हैं तो देयर आर बिलियंस ऑफ NaNO2, देयर आर बिलियंस ऑफ HX, राइट? तो ये जो HNO2 होता है ये रिएक्ट करता है HX के साथ, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? HX के साथ, राइट? अब जैसे ही ये रिएक्शन HX के साथ करेगा तो जो HX है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, HX दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक H प्लस में डिवाइड होता है और एक X माइनस में डिवाइड होता है, राइट? ऑब्वियसली इट इज एन एसिड, एच प्लस में और एक्स माइनस में डिवाइड होगा। ये एच प्लस जाकर के अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये एच प्लस जाकर के अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये जो अटैक हो रहा है इसमें ऑक्सीजन का भी हाथ होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना उसी को बड़ा हो रहता है कि यार कोई मुझे दुखियारा मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे करके उसका दुख को कम कर दूं। वो अलग बात है कि बाद में ये अपना ही दुख बढ़ाता है ऑक्सीजन, लेकिन स्टार्टिंग में तो डील देने जाता है सभी को कि आ जाओ मेरे पास है लोन पेयर, मैं बॉन्ड बनाऊंगा आपके साथ, टेंशन क्या है। तो ये जो HNO2 का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जा करके H+ को इनवाइट करता है कि आ जा तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आ जा मेरे पास, आ जा मेरे पास लोन पेयर है, वी विल मेक अ बॉन्ड, ओके, आ जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब क्या होगा फिर, जैसे ये यहां पर आ जाता है उसके साथ अटैच हो जाता है, दिस बिकम HOH और यहां पर आ गया प्लस चार्ज एंड दिस इज एन डबल बॉन्ड ओ, करेक्ट? तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। एच प्लस अपने साथ प्लस चार्ज लेके आया था ना, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर की हेल्प से एच प्लस के साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये एक स्पीशीज बन के तैयार हो गई। अब जैसे ये स्पीशीज बन के तैयार हो गई, जैसे स्पीशीज बन करके तैयार हो गई, तुरंत यहां से जो वाटर होता है ना, ये जो वाटर होता है, दिस वाटर, वाटर यहां से निकल जाता है, ये जो वाटर है ये यहां से निकल जाता है। अब जैसे ही यहां से वाटर निकल गया माइनस एच टू ओ, तो क्या तैयार हो गया यहां पर? यहां पर तैयार हो गया नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, ये तैयार हो गया नाइट्रोसोनियम आयन। कैसे? देखो ये यहां पर ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड लेकर के वाटर अलग हो गया, ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड लेकर के वाटर अलग हो गया, वाटर इस बॉन्ड को लेकर के अलग हो गया। याद रखिएगा वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, जो वाटर है, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, चाहिए तो आप इसको साइड में कहीं पर लिख सकते हैं कि H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे पिछले केस में आपने देखा था ना FeCl4- एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया? छोड़ के चला गया, आराम से छोड़ के चला गया, जाने दो, ठीक है। तो वाटर जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बदले में क्या बन के यहां पर तैयार हो गया? दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, क्या बन गया? ये नाइट्रोसोनियम आयन, बाय द वे नाइट्रोसोनियम आयन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है, दिस कम्स अंडर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते होंगे कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द नाइट्रोसोनियम आयन, ये जो है ये है इसका, ये है नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये जाकर के एनिलीन के ऊपर अटैक करता है, ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है, दिस अटैक ऑन द एनिलीन, दिस अटैक ऑन द एनिलीन, और ये एनिलीन के ऊपर कैसे अटैक करता है, तो जरा ये देखिए, ये यहां पर है एनिलीन नाइट्रोजन एंड नीचे बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ओके, एंड ये यहां पर लोन पेयर है एंड हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, ये देख रहे हो, ये क्या यहां पर एनिलीन है, ओके, एनिलीन। इससे पहले वाली जो लाइन है ना, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि नाइट्रोसोनियम आयन क्रिएट हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन अब एनिलीन के ऊपर कैसे अटैक करेगा वो अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो इसका रिएक्शन होता है नाइट्रोसोनियम आयन के साथ, ठीक है, एनिलीन का रिएक्शन हुआ नाइट्रोसोनियम आयन के साथ, दिस इज एनिलीन रिएक्शन विद नाइट्रोसोनियम आयन। अब जब ये नाइट्रोसोनियम आयन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होता है, देखो नाइट्रोसोनियम में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, उसके पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन जो है वो बोलता है दूसरे नाइट्रोजन को कि मेरे पास लोन पेयर है, एक काम करते हैं मेरे लोन पेयर की हेल्प से अपन लोग बॉन्ड बना लेते हैं, मेरे लोन पेयर की हेल्प से अपन लोग बॉन्ड बना देते हैं। ये देखो ये जो है ना, ये देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ बॉन्ड बनाने की फिराक में, जो नाइट्रोजन जो है एनिलीन का नाइट्रोजन वो इसके साथ बॉन्ड बनाने की फिराक में। जैसी हरकतें ऑक्सीजन करता था वैसी हरकत यहां पर नाइट्रोजन भी कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा समझदार है, नाइट्रोजन थोड़ा समझदार है, वो दूर की सोचता है,
ऑक्सीजन कभी दूर की नहीं सोचता था, ऑक्सीजन बस ये है कि हाँ भाई दुखियारा दिख रहा है, दे दो अपना इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में रोते बैठो, फिर बाद में अपने ही किसी साथी को कुर्बान कर दो, ये ऑक्सीजन था, दूरदृष्टि नहीं थी ऑक्सीजन की। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन की दूरदृष्टि है। कैसे है पता चलेगा, पता चलेगा आगे। ओके, तो चलिए अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में यह हुआ कि जब यह बॉन्ड क्रिएट होगा तो ये देखिए ये नाइट्रोजन है, ये यहां पर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, सी दिस इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड अब जाकर के जो प्लस चार्ज होगा वो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, जो पड़ोस वाला नाइट्रोजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होगा, अब यहां पर नाइट्रोजन क्या करता है कि एक हाइड्रोजन को बोलता है कि तू अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। ठीक है, सी द थिंग इज नाइट्रोजन को पता है आगे मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, इसके लिए छोटी मोटी कुर्बानी चलती है, देता है। ऑक्सीजन ने जैसा किया था नाइट्रोजन भी एक दो स्टेप में ऐसा करता है, लेकिन फाइनली जो नाइट्रोजन को फायदा होता है वो तो ऑक्सीजन को भी नहीं हो रहा था। देखो कैसे, अब यहां पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और कर भी लेता है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ यहां पर, सी बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा नीचे जो है, यहां पर बना नाइट्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहां पर जो लोन पेयर है वो मिल गए, और यहां से जो H प्लस है ये अलग हो गया, जो H प्लस है वो यहां पर बन करके अलग हो गया, जो H प्लस है वो यहां से अलग हो गया, राइट। ओके, अब जब H प्लस यहां से अलग हो गया तो अगले स्टेप में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, आइसोमेरिक चेंजेस होते हैं, और आइसोमर में भी ये टॉटोमेरिज्म वाला आइसोमर है। कौन सा वाला, टॉटोमेरिज्म, याद है ये टॉटोमेरिज्म क्या है, टॉटोमेरिज्म एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी। वैसे तो ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स, उसमें एक था टॉटोमेरिज्म, जैसे मेटामेरिज्म था, टॉटोमेरिज्म था, उसके बाद जैसा पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर एक्सेट्रा, ये सब पढ़े थे, तो एक टॉटोमेरिज्म था। एक्चुअली टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, हाइड्रोजन एंड बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, हाइड्रोजन एंड बॉन्ड का शिफ्टिंग, वो भी कौन सा, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब कैसा, जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। जरा देखो इस डायग्राम में, देखो ये लोग जगह कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। सी ये जो हाइड्रोजन है ये इधर ऑक्सीजन से चिपक जाता है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से चिपक जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो यहां पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। देख रहे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ आ गया, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ आ गया, एंड ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। क्लियर, तो अब देखो ये जो स्टेप बनेगा अगला वो क्या बनेगा, रिंग तो नीचे है ही, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया नाइट्रोजन, और ये यहां पर बन गया OH। ठीक है, ये यहां पर बन गया OH, करेक्ट, ये देख रहे हैं, डन, ये देख लिया। ओके, अब जब आपने ये देख लिया है अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, नीचे बेंजीन रिंग एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड विद OH। अब ये जो H प्लस है, ये वाला जो H प्लस है, जो पहले नाइट्रोजन ने जिसको हटा दिया था, जिसको हटा दिया था, ये यहां से आकर के, ये यहां से आकर के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन बड़ा शातिर है, ये सारी चाल उसकी सोची समझी है, दिखाने को दिखा रहा है कि मैं तेरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं, तू H प्लस बन के अलग हो जा, दुनिया वालों की नजरों में वो H प्लस जो है वो अलग हो गया है नाइट्रोजन से, लेकिन अंदर ही अंदर खेल ये चल रहा है कि जो H प्लस है अब वो घूम करके OH के ऑक्सीजन के पास आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन इनडायरेक्टली ऑक्सीजन को कुर्बान कर रहा है। देखो कैसे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, सी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, और ऑक्सीजन दूर की सोचता नहीं है, तो ऑक्सीजन ने देखा कि अरे वो जो उस टाइम पे जो H प्लस अलग हो गया था ना, चलो उसको बुला लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बस जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो अगले स्टेप में क्या होगा, सी जो अगला स्टेप है यहां पर, जो अगला स्टेप है वो ये होगा कि अरे हाँ यस, तो अगले स्टेप में ये हुआ कि दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये दूसरा हाइड्रोजन इधर आ गया और यहां पर इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, यहां पर इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और वाटर अगेन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगेन वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो देखिए यहां से वाटर अलग हो जाता है और वाटर अलग होएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा, वाटर जब अलग होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये जो स्पीशीज है ये कुछ ऐसे बन करके तैयार हो गए कि ये जो बन गया N डबल बॉन्ड विद N, यहां पे लोन पेयर, और साथ में ये जो होगा यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहां पर जो होगा ये क्या चार्ज आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा यहां पर प्लस चार्ज, ठीक है, दिस विल बिकम प्लस चार्ज। एंड थोड़ा बहुत शिफ्टिंग अगर आप देखें, शिफ्टिंग मतलब कि ये कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड दिस बिकम द प्लस चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन और यहां पर आ गया प्लस चार्ज, ऑलराइट। तो ये जो जो स्ट्रक्चर है ये आप बोल सकते हो कि आइसोमेरिक टाइप के हैं, मतलब इसमें ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है और ये चलता जा रहा है, ठीक है, ओके। अब जब ये बना, ये वाली जब स्पीशीज बनी, उसके बाद याद करो कि मैंने उस वक्त बोला था कि HX के कई सारे बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक HX जब टूटा था उसने एक H+ रिलीज किया था, एक HX जब टूटा था तो उसने H+ रिलीज किया था, तो X- भी तो रिलीज किया होगा। ये देखो जरा, सी ये देखिए ऊपर, ये जो HX है ये दिख रहा है, ये HX, HX ने H+ रिलीज किया था, तो ये वाला जो H+ है, दिस वन, ये जो H+ है, ओप्स ये तो गायब हो गया, हाँ खैर, ये जो H+ है, ये H+ तो यूटिलाइज हो गया था, वाटर बन करके अलग हो गया था, लेकिन ये जो X- बचा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अब इसकी बारी आती है, अब ये सामने आता है कि मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो मॉलिक्यूल यहां पर बन करके आया है, ये देखिए ये जो मॉलिक्यूल यहां पर बन करके आया है, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, N ट्रिपल बॉन्ड विद N, और यहां पर नीचे जो है बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो जो X है वो X इसके साथ जुड़ जाता है, वो जो X बचा था वो X इसके साथ जुड़ जाता है, एंड जुड़ने के बाद, जुड़ने के बाद ये जो स्पीशीज है ये कुछ ऐसी बन जाती है, N ट्रिपल बॉन्ड विद N Cl, तो ये जो है यहाँ पर प्लस हो गया और ये यहाँ पर माइनस हो गया, एंड दिस इज व्हाट, ओह सॉरी Cl मैंने क्यों लिख दिया, एक्चुअली ये तो X है ना, दिस इज X, X, राइट right? तो ये जो स्पीशीज है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ये जो बना फाइनल प्रोडक्ट ये है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। क्या किया आपने, पहले तो NaNO2 का रिएक्शन, पहले आपने क्या किया, ये जो NaNO2 था उसका रिएक्शन आपने HX के साथ करा दिया, जिससे नाइट्रस एसिड बना, नाइट्रस एसिड जो था उसने बाद में नाइट्रोसोनियम आयन बनाया, नाइट्रोसोनियम आयन ने फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट किया और लास्ट में बनके तैयार हुआ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो ये जो हमने पूरा प्रोसेस अभी तक देखा, ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा अभी तक, ये सारा का सारा प्रोसेस था प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, इस सारा का सारा जो किया हमने ये था प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना ये कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए आगे रिएक्शन के लिए, वो अब हम लोग देखेंगे, और उसके अंडर में आएगा सैंडमेयर रिएक्शन, उसके अंडर में आएगा गटरमैन रिएक्शन, और जो भी रिएक्शन फर्दर है वो अब इसके अंडर में आएंगे। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, अब आगे का जो किस्सा है लेट्स सी। तो अब इसमें आएगा पहला सैंडमेयर रिएक्शन, इसी सेकंड वाले का, इसी सेकंड वाले का पहला हिस्सा, ठीक है, ध्यान रखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट इज द मेन हेडिंग, एंड उसी के नीचे आ रहा है सैंडमेयर रिएक्शन, उसी के नीचे क्या आ रहा है सैंडमेयर रिएक्शन। तो अगर ध्यान में नहीं है तो ये देख लीजिए जरा, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, इसी के अंडर में आप कुछ कुछ रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे यहां पर ए, जगह तो नहीं है, जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये इसी के अंडर में आती है सैंडमेयर रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है वो है गटरमैन रिएक्शन, तीसरी जो रिएक्शन है
जो इसके एंट्री में आती है वो है BALZ बेल्स सेकमैन, SCHIEMAN बेल्स सेकमैन रिएक्शन, ये इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं ये तीनों नेम रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं ये तीनों रिएक्शन। तो अभी तक हमने जो भी देखा था वो डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन था। नाउ वी विल कम टू द सैंडमेयर रिएक्शन। एक सवाल जो आपके मन में घूम सकता है वो ये है कि सर आपने तो कहा था नाइट्रोजन बड़ा समझदार है, क्या समझदारी दिखा रहा है नाइट्रोजन? मुझे तो कोई समझदारी नहीं दिखाई दे रही। अब वो जो समझदारी है वो अब आपको यहां पर दिखाई देगी।